आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लखनऊ के आशियाना स्थित रश्मि खंड में एक नए क्लेवर के साथ अवध ऑडियो स्टूडियो धारा एंटरटेनमेंट का आज शुभारंभ हुआ, जहां पूरा प्रोडक्शन का काम होगा। ऑडियो वीडियो की पूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार सिंह ने पूजा अर्चना के बाद रिबन काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यूज लाइव के प्रधान संपादक सुरेंद्र पांडे शालू भी उपस्थित रहे। स्टूडियो के डायरेक्टर विनय तोमर ने बताया कि हमारे यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग, डबिंग, शूटिंग और एडिटिंग की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर प्रशिक्षित टेक्नीशियन भी मौजूद हैं, यानी कि पूरा पोस्ट प्रोडक्शन अब एक साथ हमारे यहाँ कर सकते हैं। अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो के उद्घाटन के अवसर पर डायरेक्टर विनय तोमर, म्यूजिक डायरेक्टर सोनू सागर, MD अनु त्रिपाठी, आर्ट डायरेक्टर समर राजा, कोरियोग्राफर दीपक राजपूत, गायक व एंकर शिवा गणेश, गायिका रचना सहित कई कलाकार व गणमान्य लोग उपस्थित थे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का जो ये कर रहे हैं, भगवान बहुत अच्छा आप लोगों को उन्नत कर रहे हैं। कई सालों बाद फिर से अवध स्टूडियो शुरू हुआ है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हम कामना करते हैं अच्छा आप लोग काम करें, उन्नति करें। कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश में मेहनत करें और मिलेगा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार भैया, और सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं समस्त सभी साथी कलाकार जो यहाँ आए हैं, अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो धारा म्यूजिक इंटरटेनमेंट, और यहाँ लखनऊ के सुविख्यात और बहुत जिन्होंने अपने जीवन को, तमाम जीवन के सारे समय उन्होंने अपने म्यूजिक इंडस्ट्री को और हम जैसे छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने में दिया है, वो विनय तोमर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो बड़े भैया हैं, और उनके साथ में, उनके सानिध्य में, उनका अनुभव लेते हुए उन्होंने यह अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला है। और इस सब में हम लोग आज ओपनिंग सेरेमनी में आए हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए हैं, और इनॉग्रेशन उनके पिताजी ने अभी अभी किया है, और हम सभी ने यहाँ गाया, बहुत अच्छा लगा, और आगे भी यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे समाज को, संस्कृति को, संविधान को, देश को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छे संगीत, अमर संगीत की रचना और यहाँ से निकाला जाएगा, गाया जाएगा। आइए मिलते हैं प्रख्यात भजन गायक प्रशांत सागर जी से और जानते हैं कि इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्होंने क्या कैसा अनुभव महसूस किया आज। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये अवध ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के नवोदित कलाकारों को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा सुअवसर है। और इस सुअवसर को प्रदान करने में आदरणीय विनय तोमर जी और इस स्टूडियो के इनॉग्रेशन के मौके पर उपस्थित जितने भी जानी मानी हस्तियां यहां पे मौजूद हैं, सभी का यही स्नेह और आशीर्वाद है। और हम सब भी यही कहते हैं कि जिस निमित्त इस स्टूडियो का निर्माण हुआ है, उस हेतु हम सभी मेहनत करें, नवोदित कलाकारों को संगीत के क्षेत्र में, गायन, वादन, नृत्य या कला विधा के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कलाकार को अगर आगे बढ़ना है तो अवध ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संपर्क करें। और मैंने भी बहुत अच्छे भजन यहाँ पे गाए हैं, आज रिकॉर्ड किया है, मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव रहा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। सोनू जी, आप अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एज ए रिकॉर्डिस्ट, एज ए म्यूजिक कंपोजर आपको अपॉइंटमेंट किया गया है। बनारस की धरती से आप लखनऊ की धरती में आए हैं, वहाँ का संगीत और यहाँ के संगीत में भी काफ़ी फ़र्क है, वैसे संगीत तो एक जैसा होता है लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है जी। तो क्या बनारस का संगीत लखनऊ में किस तरह से आप जो है करेंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए, संगीत जो होता है, संगीत है, संगीत के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा
बनारस का टच है वो हम लखनऊ में देंगे, लखनऊ के टच को भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और जो भी विधाएँ हैं संगीत के मामले में, चाहे वो फोक हो चाहे किसी भी विधा में हमारे गाने हों, उन सबको यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि जो भी हमारे नए कलाकार हैं, जो भी हमारे पुराने कलाकार हैं, उन लोगों को उनके हिसाब से जो वो लोग चाहते हैं, उन लोगों को उस हिसाब से हम म्यूज़िक प्रोवाइड करें, उनको संतुष्ट करें। और अमित यहाँ लखनऊ में हम लोग एक नई म्यूज़िक को एक नई दिशा दें और म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हम यहाँ परोसते रहें हमारे कलाकारों को। तो हिंदी, भोजपुरी या किसी भी भाषा का म्यूज़िक यहाँ पर जी, यहाँ पर आप हिंदी हो, भोजपुरी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, कोई सा भी गाना हो, अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ आपको वो हर फैसिलिटी देता है, हर वो सुविधा देता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का म्यूज़िक हो। अच्छा, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी और वीडियो का भी सेटअप है हमने सुना है, तो उसमें क्या क्या सुविधाएँ जी? यहाँ पे आपको म्यूज़िक का, जो हमारे स्टूडियो से रिलेटेड लोग हैं, जैसे हमारे कुछ स्टूडियो वाले भाई हैं, वो लोग भी, जो लोग म्यूज़िक नहीं बना सकते हैं, वो लोग भी अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने म्यूज़िक के लिए। और हमारे जो गायक हैं, जैसे जिन लोगों को, हमारे स्टूडियो वालों को मिक्सिंग भी नहीं आती है, तो वो लोग रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपनी जो फाइलें हैं यहाँ पे सेंड करके अपनी मिक्सिंग मास्टरिंग भी करवा सकते हैं। यानी कि वो हर चीज़, वो हर फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो स्टूडियो वाले भाई हों, चाहे हमारे कलाकार भाई, हमारे आर्टिस्ट, सिंगर और एक्टर्स हों, यहाँ पर ऑडियो, वीडियो और फॉली और बैकग्राउंड म्यूज़िक, मूवी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो सारे काम यहाँ पे, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। भैया सुरेंद्र पांडे भैया, आप अवध स्टूडियो में आ जाए हैं और आपने संगीत का आनंद भी लिया, तो आपका यह अनुभव कैसा रहा दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी बहुत अच्छा रहा, हमारे मित्र हैं विनय भाई और कई सालों से स्टूडियो लाइन में हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एल्बम मार्केट में दिए हैं और आज उनकी री ओपनिंग है। ये लोग समझ रहे होंगे कि नया स्टूडियो बना है, लेकिन नया नहीं है, ये बहुत पुराना स्टूडियो है, आज री ओपनिंग हुई है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जैसे पहले काम करते थे, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, नए नए कलाकारों को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो फिर से कुछ नए कलाकार आएंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। और यूपी के गुलशन कुमार के नाम से भी विनय भाई जाने जाते हैं और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो जी भैया, आज तक आपका सानिध्य हमेशा मिला और आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो क्या आपका और आपके न्यूज़ चैनल का सानिध्य और मित्रता हमेशा विनय भैया को यूं ही मिलता रहेगा? जी वो तो हमेशा ही मिलता रहेगा, और हम सब कलाकार भी चाहेंगे कि आपका सानिध्य हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, हमारा चैनल नए कलाकारों को उठाने का भी काम करता है, सबको प्रोत्साहन देता है, चाहे बड़ा कलाकार हो, छोटा कलाकार हो, हमारे चैनल में सबका स्वागत है। दीपक जी, आप अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एज ए कोरियोग्राफर नियुक्त किए गए हैं जी, तो अपना अनुभव कुछ बताएंगे? सर, मेरा अनुभव यही है कि जो आज अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, हालांकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये जो अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, बहुत पहले से है। मैं अपने भैया से मिला था, करीब 11 या 12 में मिला था, तब से हमारा भैया का तालमेल चलता आ रहा है और कभी ये नहीं लगा कि ये मेरे सर हैं, हमेशा इन्होंने छोटे भाई का दर्जा दिया हमें। और जहाँ तक इस अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आज ओपनिंग है, यहाँ पे सब लोग, सबका अलग अलग दर्जा दिया गया है, कोई डायरेक्टर है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई एमडी है, और मुझे दर्जा इसमें दिया गया है कि कोरियोग्राफर का दर्जा दिया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने मिल के मेहनत करके मिल के स्टूडियो बनाया है, एक दोबारा फिर वही दौड़ लाए हैं हम लोग कि अच्छे से काम करेंगे और अपने अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम रोशन करेंगे। समर जी, आपको अवध रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आर्ट डायरेक्टर का पद मिला है, तो क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? सबसे बड़ी बात तो मैं अपने विनय भैया को सबसे ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने अवध आइडियो स्टूडियो फिर से ओपन किया है, जो मैं बहुत खुश हूँ। और ये अवध आइडियो स्टूडियो मेरे घर पर खुला है, इसमें हमारे सारे भाइयों का, 5 लोग हैं हम लोग, बहुत ने मेहनत की है, सब आगे करेंगे काम। और मेरा जो डायरेक्शन आर्ट डायरेक्शन का है, मैंने इससे पहले खेसारी जी की मूवी आस्की में भी आर्ट डायरेक्शन में रहा हूँ मैं, और निरहुआ जी की मूवी अंगूठा छाप में मैं रहा हूँ। और अब मैं अपना खुद का जो डायरेक्शन होगा, जो यहाँ पे आइडियो बनेगा उसका, वीडियो का जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, वो खुद मैं डिज़ाइन करूँगा, और भैया लोगों का आशीर्वाद रहेगा। और मैं गाना भी गाता हूँ, बस भैया लोगों को देख के सीख रहा हूँ। बाकी बस ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें अवध आइडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आज हमने भोलेनाथ जी का बहुत ही प्यारा भजन गाया है,
विनय सर की देखरेख में। आप सभी को नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी लखनऊ से। आवाज़ आइडियो स्टूडियो ये हमारे विनय भैया की बहुत बड़ी देन है, तो आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं हमारे भैया, और वाकई में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस समय और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि जो हमारे मार्केट में जो भी हमारे नए कलाकार परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, स्टूडियो वगैरह में जाते हैं अक्सर, कई चीज़ों से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, अब चाहे वो मनी प्रॉब्लम हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि अवध ऑडियो स्टूडियो जो हमारा है ये हर एक उन सिंगर्स के लिए काम करता है जिनके पास टैलेंट है और वो काफ़ी अच्छा अपना टैलेंट दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लोग ऐसे नहीं मिल पाते जिस वजह से उनका टैलेंट छिप जाता है। और मैं अगर यहाँ की अवध ऑडियो स्टूडियो की बात करें तो जो भी मार्केट के हमारे भाई बंधु हैं उनसे भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ की खासियत ये है कि आप लोग जो बनारस और मुंबई जाकर के अपना म्यूज़िक वगैरह बनवाते हैं वो सारे जो काम हैं हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप सभी यहाँ पर आकर के आप बनारस की जो म्यूज़िक का आनंद है यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे लोग जुड़े हुए हैं मुंबई से लेके और बनारस तक। और बस यही कहूँगा कि बस विनय भैया का आशीर्वाद है और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सभी दुआ दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम इस स्टूडियो को और भी अच्छा से अच्छा लेवल दे सकें, यही कोशिश है। आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप निषाद आज आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज 9 अगस्त 2021 को हमारे अवध ऑडियो स्टूडियो की ग्रैंड री ओपनिंग हुई है। अगर आपको बेहतर रिकॉर्डिंग चाहिए तो एक बार हमारे अवध ऑडियो स्टूडियो में ज़रूर आएं, और हमारे इस स्टूडियो को पता है रश्मि खंड शारदा नगर लखनऊ। धन्यवाद। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।